हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है कुछ वैकेंसी निकाली है अभी होम गार्ड्स और पुलिस में, तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं उसकी तरफ। देखिए, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो है कोई भी एजुकेशनल अपडेट जो है उसे आप मिस ना कर पाएँ। हिमाचल की गवर्नमेंट जॉब होगी, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब होगी, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है उसकी मैं हर एक जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ हिमाचल का जीके, करंट अफेयर और बाकी मैथ वगैरह का जो है जहाँ तक तो होगा ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट की हाल ही में एक बैठक हुई थी 9 अगस्त 2018 को, तो उसमें हिमाचल के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली है। टोटल अगर बात करें तो 160 वैकेंसी है, 160 टोटल वैकेंसी निकली है। तो कौन कौन से विभाग में कौन कितनी कितनी वैकेंसी निकली है इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे गृह सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में मानदेय आधार पर यानी डेली बेस पर जो है गृह रक्षा वॉलंटियर चालकों की 103 पद यानी 103 जो है होमगार्ड के पोस्ट निकली है। या आगे देखिए, 103 पोस्ट जो है होमगार्ड की है और इसी के साथ सब इंस्पेक्टर यानी SI की जो है 41 पोस्ट निकली है और इसके साथ साथ जनसंपर्क विभाग में 5 पोस्ट, APRO और जो है 11 पद निकले हैं जूनियर फोटोग्राफर के। देखिए, काफ़ी कम निकलती है वैकेंसी जूनियर फोटोग्राफर की, तो 11 पोस्ट जो है इसमें निकलती है। तो टोटल पोस्टें निकली है 160, 103 जो है होम गार्ड की है, 41 सब इंस्पेक्टर की है पुलिस में और 11 जो पोस्टें हैं आपकी वो है जूनियर फोटोग्राफर की और 5 है APRO की। तो अगर हम बात करें इन पोस्ट की, तो अभी इन पोस्ट को डिवाइडेशन होना है, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसे मैं आपको जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही विद इन 1 वीक जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो 103 पोस्टें जो है होम गार्ड की है, ए भी अभी डिवाइड होगी, कुछ गर्ल्स के लिए होगी, ठीक है, कुछ जनरल के लिए SC ST में डिवाइड हो जाएगी। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारा जो प्रोसीजर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो SI का जो पोस्ट निकली है 41, इसका प्रोसीजर कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, बॉयज़ के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, गर्ल्स के लिए कितनी वैकेंसी आएगी। तो अभी ये डिवाइड होगा जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, तो उसके बाद इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक जो जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। तो अब तक के लिए आप मान के चलिए कि 160 जो पोस्ट आई है इंक्रीज भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।